रीवा में आदिवासी समाज ने एसपी कार्यालय का घेराव कर धरना दिया और आदिवासियों पर हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने की मांग की है। इन प्रदर्शनकारियों ने डभौरा के एसडीओपी व थाना प्रभारी पनवार के खिलाफ एससीएसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान लोगों ने मांग की है कि आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगाया जाए। इन लोगों ने बताया, कुंडलीपुर व लटारिया में किशोरी के साथ तीन आरोपियों ने बलात्कार किया। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराते समय पीड़िता व उसकी मां के साथ डभौरा अनुभाग के तत्कालीन एसडीओपी व थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज करते समय गाली गलौज और अभद्रता की और थाने से भगा दिया गया, जिससे एसडीओपी और पनवार थाना प्रभारी के खिलाफ एससीएसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ 188 का मामला वापस लेने की मांग की है। संगठन के लोगों ने कहा कि आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचार से लोग भयभीत हैं, अपराध करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। शिकायत लेके आए हैं कि मेरे बिटिया के साथ गलत भा। कौन किया गलत? रिंकू द्विवेदी, संतू रावत, कामता मिश्रा। कब की घटना है? 11 बजे रात की। इसकी शिकायत कहाँ की है? यह शिकायत लगे पनमार थाने, सादा कागज में लिख लिया, फिर हो गया बिहान भी बुलाइन भगा दीन, जब जानता पुलिस थाने से भगा दी, भगा दीन, जब भगा दीन कहीं सीधे जाओ हरजन कल्याण, हियाँ हियाँ आ हियाँ से फिर हम पच के थाने से हियाँ से हरजन कल्याण से नाम लिख गया, रिपोर्ट भाई बयान भविटिया के, फिर जब तीसरे रोज बुलाइन स्टॉप ही बोला, हम बिटिया के बोलन के बिट्टी जन तोरे देह शरीर में पर है तो सत के सत्ता ही बोले। मेरे भाई दीप नारायण कोल का एक नया विवाद 2/8/2020 को मुन्नू साहू राम आश्रय साहू से हुआ था और पुराना विवाद जितेंद्र कुमार साहू पिता जगदीश साहू और पप्पू उर्फ तिवारी पिता नसीर खान निवासी ग्राम अमीरती से पुराना विवाद था। इन लोगों ने 3/8/2020 को रात वो घर जा रहा था 10-11 बजे, वो पकड़ लिए और 2-3 दिन गायब किए रहे और 6 तारीख को उसकी लाश गांव में ही ग्राम गुर्गी में ही कुएं में मिली है और लाश जब पुलिस लाश निकाली है तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उसको तेजाब डाल के मार डाले हैं और उसका हाथ एक टूटा था और यहाँ जबड़े पे लगा था और यहाँ कंधे के पास लगा था और 3 तारीख को गायब किए हैं, 6 को उसकी लाश मिली इस कोरोना काल के दौरान। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 4-6-7 महीने से हमारे संपूर्ण ज़िले में आदिवासी समाज के ऊपर भी इतने सारे अत्याचार बढ़ गए हैं कि हत्या जैसी घटना होना आम बात हो गई है। पूरे ज़िले में हत्या एवं मारपीट की घटनाएं आदिवासी समाज पर हो रही हैं, लेकिन कोई भी ज़िले के अंदर कोई भी अधिकारी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और ना ही कोई कड़ाई से पालन किया जा रहा है इसका। हर थाने में भी विरोध भी दर्ज किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों पर उचित पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और आरोपी अभी भी हम लोगों पर राजीनामा, दहशत और मारपीट की घटनाओं को, डराने धमकाने की घटनाओं को लेकर के हमेशा हम लोगों को उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं आज भी। चूँकि आप लोगों को भी विदित होगा कि मऊगंज घुरेटा का मामला लगभग 40 परिवारों को बेदखल कर दिया गया, आज भी उन परिवारों पर ना कि शासन की तरफ से ना पुलिस प्रशासन की ओर से कोई भी गणमान व्यक्ति वहां पर खड़ा नहीं हुआ। आज भी बेचारे किनके कोल 3-4 दिन से जो पीड़ित हैं, जिसके साथ मैंने मारपीट की घटना, उसके घर में खाद्यान्न सामग्री फेंक दी गई, कुएं में जहर घोल दिया गया, हैंडपम्प को तोड़ दिया गया और लगातार उन परिवारों को रात के 12 बजे रात उनको बेघर कर दिया गया इस भारी बरसात में। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।